मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से कविता अग्रवाल में चैप्टर 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पीएन संधि डायोड समझा रही थी। पीएन संधि डायोड जब फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या बताया था कि जब पी को बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया जाए और एन को बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया जाए तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। और इसके अंदर ये पीएन संधि डायोड का सिंबल है, पी को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया और एन को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम वी का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही वी का मान इस कटिन वोल्टेज से ज़्यादा होता है, डायोड में बहने वाली धारा का मान एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगता है। पर अगर अप्लाइड वोल्टेज का मान वी गामा से कम है तो धारा का मान शून्य होता है। इस वी गामा को कहते हैं कट इन वोल्टेज। इस कट इन वोल्टेज का कारण मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि संधि के दोनों तरफ इमोबाइल चार्ज आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी वजह से संधि पर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो होल और इलेक्ट्रॉन को जंक्शन क्रॉस करने के लिए कम से कम ई इंटू वी गामा एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो संधि को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही ये ऊर्जा मिलती है वे संधि को क्रॉस करने लगते हैं। जैसे जैसे वी का मान बढ़ता जाता है होल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या, फ्री होल इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ने लगते हैं और धारा का मान एकदम बढ़ता जाता है। अब इसे रिवर्स बायस कैसे करते हैं आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि इस पीएन जंक्शन डायोड में पी को बैटरी के माइनस से और एन को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दें तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। उत्क्रम बायस करना, पीएन संधि डायोड का उत्क्रम बायस, पी को माइनस से एन को प्लस से। आप एक ही याद रखिए, फॉरवर्ड बायस में पी टर्मिनल बैटरी के प्लस से, पॉजिटिव से, पी 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 पी, बस ये फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, पी को माइनस से कनेक्ट करो तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाती है। जब हम इसे रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है कि जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पी के अंदर किसकी अधिकता होती, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्टर एटम्स हैं जिसे हमने नेगेटिव चार्ज से बताया है क्योंकि दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल बिकम नेगेटिव आयन। इसी तरह से एन में किसकी अधिकता होती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है और ये डोनर एटम है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब हमने इसको पी को बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया और एन को बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया, अब ये जो होल्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनका यहाँ ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन होल्स की अधिकता है, ये संधि को क्रॉस करना चाहते हैं। यहाँ से ये संधि है, इस संधि को ये क्रॉस करना चाहते हैं पर ये जो बैटरी का प्लस लगा हुआ है ये इनको नहीं आने देगा। ये क्या करेगा, इससे इन होल्स को संधि क्रॉस करने से रोकता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, है ना, प्रतिकर्षित करते हैं तो ये होल संधि को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ये भी यहां से संधि को क्रॉस करके इधर पी में आना चाहते हैं परंतु यहां पर जो बाह्य बैटरी के द्वारा हमने इसको कनेक्ट किया है और ये नेगेटिव जो है बैटरी का टर्मिनल चूंकि पी से कनेक्टेड है ये इलेक्ट्रॉन्स को संधि क्रॉस करने से रोकता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स पी से एन में नहीं आ पाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में नहीं आ पाते, संधि को दोनों ही क्रॉस नहीं कर पाते। तो रिवर्स बायस वोल्टेज में अब इन दोनों की वजह से तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, परंतु फिर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस पी टाइप के अंदर, होल्स के अलावा बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित हैं, इसी तरह बहुत कम मात्रा में एन के अंदर होल्स उपस्थित हैं। अब यहाँ जो ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है इनके लिए ये अभी बड़ा अच्छा है समय क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली ये जो
बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन संधि को क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पी से किधर जाएंगे, एन की तरफ, और होल्स जो होंगे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एन से पी की तरफ जाएंगे। तो धारा बहुत अल्प मात्रा में बहेगी और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब चाहे वी का मान कितना भी बढ़ाते जाओ वो वैसे ही संधि क्रॉस कर लेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो हमने क्या देखते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ हम देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव दिशा में वी रिवर्स वोल्टेज बता रहा है हमारा, और ये प्रवाहित धारा का मान रिवर्स करंट, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में, और फॉरवर्ड करंट किस में थी, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, 10^-3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज 10^-6 एम्पियर। तो रिवर्स में पहली बात तो धारा का मान बहुत अल्प बह रहा है, ये किसकी वजह से बह रहा है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से बह रहा है, और करंट का मान कांस्टेंट है, वी का मान बढ़ता जा रहा है पर करंट के मान वही सेम है, तो ये रिवर्स सेचुरेशन करंट कहलाता है, ठीक है। और इसमें और इसमें कितना फर्क है, ये 1000 गुना ज्यादा है फॉरवर्ड करंट किसकी तुलना में, रिवर्स करंट की तुलना में। तो ये बहुत बहुत अल्प नगण्य धारा बहती है जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, पर एक निश्चित जब बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज हो जाता है तब हम देखते हैं कि अचानक से धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। इस ये जो अचानक से धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये क्षेत्र कहलाता है भंजन क्षेत्र, ब्रेकडाउन रीजन। इसका रीजन होते हैं, दो कारण होते हैं, एक होता है एवलेंच मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। क्या होता है कि जब हम इसे रिवर्स बायस करते हैं तो जो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन संधि को क्रॉस करके इधर आ रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन संधि को क्रॉस करते हैं और अप्लाइड वोल्टेज का मान काफी ज्यादा होता है इतना, तब इन इलेक्ट्रॉन को के पास में इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जाती है कि ये दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड को उनसे आयन से टकरा के अलग बॉन्ड्स को तोड़ने लगते हैं, और तोड़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, फिर उनके पास इतनी ऊर्जा रहती है कि वो और दूसरे आगे के बॉन्ड्स को तोड़ते जाते हैं। इस तरह से एकदम अत्यधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये अवेलेंच मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो जनरली लाइटली डॉप्ड, मतलब जिसमें कम अशुद्धि मिलाई जाती है, लाइटली डॉप्ड डायोड्स उनमें होता है, और जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हेविली डॉप्ड डायोड्स में होता है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं करते हैं, परंतु ये जो अप्लाइड फील्ड है इसी की वजह से, इस फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ही बॉन्ड्स टूट जाती हैं, टूटने लगती हैं, और उन्हीं की वजह से एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। परंतु कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो धारा का मान एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगता है, परंतु जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो ये धारा बिल्कुल नगण्य, बहुत कम मात्रा में, इस धारा में और इस धारा के मान में 1000 गुना फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर पी को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करते हैं तो ही धारा प्रवाहित होती है, अदरवाइज डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि आपने प्रतिरोध काम में लिया, प्रतिरोध को कैसे भी जोड़ो धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इसकी क्या विशेषता होती है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही दिशा में ये धारा प्रवाहित करता है। और ये जो कर्व बना है, इस कर्व के लिए डायोड इक्वेशन, ये डायोड करंट है, I = I₀ e^QV/ηkt-1। I₀ इज रिवर्स सेचुरेशन करंट, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V जो है अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस होगा तो V प्लस में होगा, रिवर्स बायस में ये माइनस में होगा।
ईटा जर्मेनियम डायोड के लिए इसका मान अलग होता है, सिलिकॉन डायोड के लिए अलग होता है। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल। तो ये एक्सपोनेंशियल जो कर्व बन रहा है उसके लिए ये आप देख सकते हैं कि डायोड करंट के लिए इक्वेशन ये इस तरह से होती है। बाकी हम इसकी यूनिडायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम डायोड को वी कैन यूज एज ए रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर क्या होता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।